नमस्कार, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। राजश्री प्रोडक्शन के चेयरमैन और फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या के पिता राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई में निधन हो गया। 1947 में शुरू हुई राजश्री प्रोडक्शन का शुरुआती दौर में कामकाज राजकुमार के पिता ताराचंद बड़जात्या देखते थे। उनके बाद प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी राजकुमार के ऊपर आ गई। अपने दौर में राजकुमार बड़जात्या ने कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं जो काफ़ी सफल रही। इनमें आँखियों के झरोखों से जो 1978 में आई, नदिया के पार 1982 और सारांश 1984 की फिल्में शामिल हैं। सलमान खान आज जहां भी पहुंचे हैं उसमें राजकुमार बड़जात्या का बड़ा हाथ है। सलमान को पहली बार लीड रोल में उन्होंने ही कास्ट किया था। फिल्म थी मैंने प्यार किया, साल 1989 में आई। इस फिल्म से राजकुमार बड़जात्या के बेटे सूरज ने बतौर डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था और फिल्म को प्रोड्यूस किया था राजकुमार ने। इस फिल्म की सक्सेस के बाद राजकुमार और सलमान खान ने आगे हम आपके हैं कौन 1994 में, हम साथ साथ हैं 1999 और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में काम किया और ये तीनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। इसके अलावा राजकुमार बड़जात्या ने विवाह मैं प्रेम की दीवानी हूं और एक विवाह ऐसा भी जैसी पारिवारिक फिल्में प्रोड्यूस की। विवाह ने शाहिद कपूर को वो नाम बना दिया जिसे घर घर में जाना जाने लगा। मंगलवार 19 फरवरी की सुबह हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें रिलायंस हरकिशन दास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां गुरुवार को उनकी डेथ हो गई। उनके प्रोडक्शन हाउस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट कर राजकुमार बड़जात्या के निधन की जानकारी दी। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर उनके चाहने और जानने वाले उनसे जुड़ी अपनी यादें शेयर करते हुए उन्हें अपने अपने तरीके से आखिरी विदाई देने लगे। सारांश अनुपम खेर की पहली फिल्म थी और इसे प्रोड्यूस किया था इन्हीं राजकुमार बड़जात्या ने। इसके बाद दोनों हम आपके हैं कौन और विवाह जैसी फिल्मों में साथ काम करते दिखे। अपने शो की शूटिंग के लिए एम्स्टर्डम गए अनुपम खेर ने ट्वीट कर राजकुमार के बारे में अपनी यादें और बातें शेयर की। अपने ट्वीट में अनुपम खेर लिखते हैं, राजकुमार बड़जात्या जी की मौत से बहुत दुखी हूँ। मैं उन्हें अपनी पहली फिल्म सारांश के समय से जानता था। वो बहुत ही नम्र और जानकार आदमी थे। इसके बावजूद उनमें चीज़ों को जानने के लिए बच्चों जैसी जिज्ञासा थी। मेरी उनसे घंटों बात होती थी जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन्हें मिस करूंगा। ओम शांति। सिर्फ अनुपम खेर नहीं, उनके साथ काम कर चुके कई सारे एक्टर्स और उनके साथी और उनके बाद आए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी उन्हें याद कर रहे हैं और याद कर रहे हैं जिन्हें राजकुमार बड़जात्या ने कई सारी फिल्में दी। खासकर पारिवारिक फिल्में देखने के शौकीन लोग उन्हें ताउम्र उनके योगदान के लिए याद करते रहेंगे।